है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट बायोलॉजी के 11वें एक्सरसाइज पॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जो पार्ट बनाया है वो भी देख लेना, क्योंकि लुसेंट अप्रॉक्सीमेटली बेस होता है किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक होता है, इंडिकेटर क्या होता है, तो क्या होता है, लाइकेंस तथा मॉन्स। एक लेसन में पढ़ रहे थे कि लाइकेंस किससे बना होता है, कवक और शैवाल से बना होता है। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि प्रदूषण को संकेत करने के लिए इंडिकेटर क्या होता है, वो लाइकेंस होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न यही हमारा आ गया कि लाइकेंस और मॉस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है क्या होता है, पीबी शीशा जिसे कहते हैं। फिर अच्छा, शीशा देखो, शीशा वो भी होता है, कभी आप पेट्रोल पंप पे गए होगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि शीशा युक्त पेट्रोल, मीन शीशा मीन्स उसमें ऐसा लिखा रहता है कि शीशा मीन्स इसमें नहीं है, पेट्रोल में शीशा नहीं है। तो शीशा रहने से क्या होता है कि वो प्रदूषण अधिक छोड़ेगा। कभी आप अगर गाँव घर में देखे होंगे जनरेटर जो चलता है तो उसमें से आग निकलते रहता है, तो वो जो होता है ना वो शीशा ही होता है, पीवी ही होता है। तो उससे क्या होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है, उससे क्या होता है, मानसिक रोग, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और फिर ये प्रेगनेंसी लेडीज होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये होमोग्लोबिन से संयोग करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, होमोग्लोबिन से संयोग करता है। मुख्य वायु प्रदूषक होता है, सबसे जो मेन वायु प्रदूषक है वो क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक है, तो अगर किसी पार्टिकुलर शहर की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, CO और SO2, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी अधिक चलती है इसीलिए CO और SO2। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है, हरित गृह गैस मीन्स ग्रीन हाउस गैसेज कहलाने वाली गैस है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीन्स मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ये सारे इंपॉर्टेंट है। डी हमारा क्या हो जाएगा, कभी कभी आपसे प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, गैस है, तो ये चारों अगर याद रहेगा तो आप उसको आसानी से टिक कर पाओगे। फिर है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, वही है ग्रीन हाउस गैस, उसी को कहा जाता है हरित गृह प्रभाव। तो सबसे अधिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोपोलिटन शहर कहा जाता है उसको जिसमें 10 लाख की पॉपुलेशन होती है, ठीक ना, उससे अधिक होती है। तो मेट्रोपोलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, स्वचालित वाहन। क्या करते हैं लोग, गाड़ी चला के छोड़ देते हैं, हमें चलता ही जाता है, तो प्रदूषण का मुख्य कारण होता है स्वचालित वाहन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है, वो अभी हम पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखो कहीं कहीं पे आपको आइसोसाइनाइट मिलेगा, ठीक ना, नाइट यहाँ पे, लेकिन नहीं, वो कौन सा है, मिथाइल आइसोसाइनेट, नेट होगा लास्ट में, ठीक ना, कन्फ्यूजन नहीं करना। अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको ये कन्फ्यूजन भी मिल सकता है, तो इसलिए याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनाइट नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषण है, इसमें प्लास्टिक, पारा, DDT सब है, उपयुक्त सभी, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है, मीन चिचरापन, मानसिक रोग, क्या होता है, शीशा मीन्स पीबी, अभी ये थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा कर देता है, तो क्या होता है, कैडमियम। पूछा जाएगा कैडमियम से कौन सा डिजीज होता है, क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हार्ट रिलेटेड डिजीज होता है, हृदय संबंधी रोग। नेक्स्ट है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों को लोह सकितमयता रोग होने के कारण है, क्या होता है, सिलिका अधिक हो जाता है, सिलिका के कारण, सिलिका। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः होता है, किससे होता है, हम लोग जो श्वसन लेते हैं तो जीवों के श्वसन से,
जीवों के श्वसन से। फिर ताजमहल को क्षति पहुंचाती है। याद होगा कि ताजमहल क्या हो रहा है, धीरे धीरे पीला हो रहा है। उसका कारण क्या है, मथुरा में क्या है, तेल शोधन मीन्स फैक्ट्री है, जिससे निकलने वाले प्रदूषण के कारण क्या होता है, वो ताजमहल में क्षति हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है वैसे, अभी से बंद करवा दिया गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वह रक्त के होमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने से अयोग्य बना देता है। और हम जानते हैं कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है वही ब्लड क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है और वही काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और अगर मोनोऑक्साइड मिल जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाएगा और ब्लड मेरा ख़राब हो जाएगा और आदमी का देहांत हो सकता है। फिर है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या करता है, प्रवैगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। क्या करता है, प्रवैगनी प्रवेश के किरणों को कम करता है, जानते हैं। और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओजोन स्तर का फार्मूला क्या होता है, O3। अच्छा ओजोन, अच्छा चलो ये आसान क्वेश्चन है, फिर बता दो ओजोन लेयर जो होता है वो कौन सी मंडल में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, तो वैसे ही कौन से मंडल में ओजोन स्तर पाया जाता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट है मिनी माता रोग होता है, तो मिनी माता होता है मरकरी से, जल में मरकरी के प्रदूषण से। जल में मरकरी अगर अधिक रहेगा तो उसे क्या हो जाएगा, मिनी माता, मरकरी को पारा भी कहा जाता है। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है, तो वो होता है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड से हम क्या करते हैं, जल प्रदूषण की चेक करते हैं। फिर है DDT होता है, तो वो क्या होता है, अजीब अपघटीय प्रदूषक, अजीब अपघटीय प्रदूषक, आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली हानिकारक प्रवैगनी किरणों से होता है क्या होता है, त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर। फिर किसी जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन में अणु अपर्याय हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, वो जो भी जलीय पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे, जलीय जो सब्सटेंस पेड़ पौधे वो मर जाएंगे, आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिर नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो ऑक्सीजन में घुली मात्रा और O2 की घुली हुई मात्रा से। और एक अगर आप ऑप्शन में रहेगा शैवाल को देख के, कंडीशन ऑफ अलगी को देख के हम पता कर सकते हैं कि जल प्रदूषण कैसा है, तो वो भी सही होगा हमारा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन दिया गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, O2 में घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लेकिन ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन अपतृण को उपयोगी पाया गया है, इसको फिर से पढ़ देते हैं। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए, जैसे कोई बिजनेस चलता है, जैसे आप सुने होंगे गंगा नदी क्या होता है, कानपुर में जो चमड़ा उद्योग है उसके कारण नदी गंदा होता है, तो उसके कारण कौन सा अपतृण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें पर्थेनियम और जलघास दोनों का उपयोग होता है, पर्थेनियम और जलघास बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक वाहक प्रदूषण में भाग नहीं लेता है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2। फिर ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो किस रूप में क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सौर। ये क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है और ये क्या है, हार्म नहीं करता, कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है। फिर निम्नलिखित में से, यहाँ पे अगर पवन ऊर्जा रहा था, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, तो भी हम सही टिक लगाते उस पर। फिर निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो सबसे अधिक ध्वनि किससे होता है, जेट उड़ान से, जेट उड़ान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, नागपुर, नागपुर। फिर मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, जो आदमी के द्वारा मीन्स मानव के द्वारा परमाणु प्रदूषण फैलाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परजैविक, परजैविक। नेक्स्ट है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो सबसे पहले क्या होगा, समुद्र तल का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो अंटार्कटिक पे जो भी मीन्स
बर्फ है वो पिघल जाएगा, तो वो सही है। फिर तट रेखा में परिवर्तन भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी आइलैंड है छोटे छोटे वो डूब जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, ये तो होगा ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ स्थित है, वो है अंटार्कटिक के ऊपर। अंटार्कटिक के ऊपर पर ध्यान रखिएगा, उसमें क्या हुआ है, बहुत कमी आई है, वो छिद्र जो है उससे बहुत कमी आई है, कहा जा रहा है कि 3-4 साल में वो कंप्लीट भर जाएगा, तो याद रखिएगा। फिर निम्न में से कौन सी परत वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, तो उसमें क्या होता है, मीन्स ग्रीन हाउस गैस जो भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हमारा आंसर है। फिर वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है, क्या करता है वो, अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है, अवशोषित करता है और धरती पे नहीं आने देता है। नेक्स्ट है हमारा, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है, यहाँ पे आपको तेजाब वर्षा की जगह पे हो सकता है एसिड रेन भी दे दे, तो सबका कारण क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स NO2 और CO2, इसके कारण क्या होता है, तेजाब वर्षा या एसिड रेन होता है, और यही क्या करता है, ताजमहल को भी हर्प करता है, ये भी याद रखिएगा। फिर हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है, इसमें क्या होता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का मीन्स बढ़ जाना जो है, बढ़ जाता है, और उससे क्या क्या होता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन से हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, नीम का यूज किया जाते हैं, नीम का। तो ये था इस वीडियो का एंड, इस लेसन में मीन्स 39 प्रश्न थे, तो वो मैंने कम्प्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।